तो की हाल चाल भाई और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बड़े होते होंगे। आज के इस वीडियो में कुछ खास बात तो है नहीं बताने को, बट हाँ जो मैंने तरीका बताया था तुम्हें कि कैसे पढ़ना है इन दिनों में मैथ्स के लिए, तो उसके लिए जो स्टडी मटेरियल्स चाहिए तुम लोगों को वो मैं लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए, और तुम कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हो वो मैं बताऊँगा तुम्हें, और किस तरीके से तुम इसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करोगे ताकि तुम्हें एग्ज़ाम में हेल्प मिले वो देखेंगे। आइए देखते हैं दर्शन मजा। तो पहले बात करते हैं यार PYQs का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स। तो देखो 2015 से लेके 19 तक का जितना भी CBSE के द्वारा दिया क्वेश्चन आंसर्स है वो सारे मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ। सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, साथ साथ उनका सलूशन भी। बट देखो तुम्हें पहले आंसर्स को नहीं देखना है, सलूशंस को नहीं देखना है, कोशिश ये करना है कि जो क्वेश्चन पेपर मैं तुम्हें दूंगा उन्हें पहले सॉल्व करो, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि तुम अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं होगे। तुम PYQs को इसलिए सॉल्व करने आए हो क्योंकि तुमने NCERT कंप्लीट कर लिया है, तो जब तुमने तैयारी कर ही लिया है तो क्यों ना तैयारी का थोड़ा टेस्ट लिया जाए, देखा जाए कि तुम किस लेवल पे हो अभी। और हाँ, उसे देखने का सबसे बढ़िया तरीका होगा कि तुम पहले खुद से ट्राई करो, और अगर कहीं तुम फंसो तब जाके तुम सॉल्यूशंस को देखो। तो सवाल उठते हो तुम डाउनलोड कैसे करोगे। देखो मैंने पहले भी जो डायरेक्ट डाला था, चाहे लिंक के द्वारा गूगल ड्राइव पे या फिर तुम टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ भी दिया था, बट जब एक साथ इतने लोग चले जाते हैं ना तो साइट क्रैश कर जाता है, फिर तुम कहोगे कि बीबी तूने क्या लिंक दिया, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। तो यार बेस्ट ये रहेगा कि तुम सीधा जाओ टेलीग्राम पे और वहाँ पे मेरा नाम सर्च करो, बाबा बंगाली का ज्ञान, वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा तुम्हें। वहाँ से जाके जितने भी एग्ज़ाम रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स है मैंने डाल दिया है, ठीक है, तुम जाके एक एक करके आराम से डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से और फिर पढ़ो। टेलीग्राम डाउनलोड करने में इतना क्यों झिझकते हो यार, तुम्हारे पास फेसबुक है, इंस्टा है, जो कि तुम टाइम वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हो, और वहीं पर टेलीग्राम जिसका तुम प्रोडक्टिव यूज़ करके अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हो। देखो मैं तुम्हें इतना फोर्स कर रहा हूँ टेलीग्राम डाउनलोड करने को इसलिए क्योंकि देखो अच्छा तो ये रहता कि मैं कोई एक वेबसाइट बनाता और वहाँ चीज़ों को अपलोड करता जिससे कि तुम लोग आसानी से उसे डाउनलोड कर पाते, बट क्या करो यार भाई, इतना भी बड़ा नहीं हो गया मैं कि अपना वेबसाइट बना दूँ। सोचा तो है मैंने कि करेंगे एक वेबसाइट बनाएंगे अपने नाम पे जिससे कि तुम लोगों को मदद मिलेगा, ढेर सारी चीज़ें डाला करूँगा वहाँ पे, हाँ अच्छे अच्छे आर्टिकल्स जिससे कि तुम्हें मदद मिले, बट अभी के लिए समझो यार। तो जो भी है तुम लोग के लिए मैं वो टेलीग्राम पे ही अपडेट करता हूँ। तो यार रिक्वेस्ट यही रहेगा तुम लोगों से, टेलीग्राम पे जाओ, वहीं से जाके जो चीज़ें हैं अभी के लिए डाउनलोड कर लो, बाद में का बाद में देखते हैं, ठीक है। ये तो बात रहा PYQs का, इसके साथ साथ तुम्हें मिल जाएगा CBSE का एग्जाम्पलर जो है ना मैथ्स का, उनका भी PDF। तो इसे भी मैंने दो PDFs में बांट दिया है। पहला PDF होगा जैसे कि मान लो सर्कल का है, तो पहले तो सर्कल का जो भी एग्जाम्पलर्स का क्वेश्चंस होगा वो मिलेगा तुम्हें, और इसी का दूसरा PDF होगा जहाँ में तुम्हें क्या होगा कि जो एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस दिया है ना उनका सोल्यूशन मिलेगा। तो अगर तुम अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो और कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, तो मेरा तुम लोगों से ये कहना रहेगा कि बिना सॉल्यूशंस को देखे पहले खुद से ट्राई करो और उसके बाद सॉल्यूशंस से अपना आंसर को मिलाओ, अगर नहीं मिल रहा है तो देखो कहाँ गलती है, ऐसे तुम अपना प्रैक्टिस को और इम्प्रूव कर पाओगे। और यही सेम चीज़ तुम क्वेश्चन पेपर के साथ भी करोगे। देखो यहाँ पे देखो मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स थे उन्हें 2015 से लेके 19 तक का तुम्हें दिया हुआ है, तो यहाँ में भी एक कैच है कि ये एक क्वेश्चन पेपर नहीं है, सेट्स है, सेट 1, सेट 2, सेट 3। ये तो तुम्हें पता होगा ही कि क्वेश्चन पेपर का 3 सेट होता है, तो तीनों सेट तुम्हें मिल रहा है और जो आंसर है इन तीनों सेट्स का वो तुम्हें एक ही PDF में मिल जाएगा। चाहे 2015 का हो उसका भी 3 सेट है, 2016 का उसका भी 3 है, और 2017, 18, 19 ऐसे करके तुम्हें हर एक साल का 3 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर मिलेगा और उनका एक PDF में मिलेगा आंसर्स या फिर तुम कह लो सॉल्यूशंस। अच्छा, और एक बात, हाँ ये बता देता हूँ, गलती मत करना, ये सारे क्वेश्चंस को नहीं करना है तुम्हें, ठीक है, बहुत टाइम कम लगेगा तुम्हें। तुम्हें लग रहा हो कि यार ये 3-3 सेट्स एक एक ईयर का बहुत समय लग जाएगा, नहीं यार देखो तुम्हारा सिलेबस पहले जैसा नहीं है, 2019 में जो सिलेबस था अब वो सिलेबस नहीं है, उस समय पूरा का पूरा बुक से क्वेश्चंस आता था, बट अभी तुम्हारे लिए कितना बढ़िया है यार, तुम्हें बस लिमिटेड 7 चैप्टर्स को पढ़ना है, तो
मेरा कहने का मतलब ये है कि देख लो क्वेश्चन पेपर के अंदर में जो जो चीज़ हमारे सिलेबस से रिलेटेड है उन्हें ही देखना, जो आउट ऑफ द सिलेबस है उन्हें करने मत बैठ जाना। तो ये चीज़ मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि देख लेना कौन सा सिलेबस पे है और कौन सा नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता तो है ही सिलेबस पे क्या क्या आ रहा है, तो उसके हिसाब से देख लेना। हाँ तो आई गेस और लंबा नहीं करते वीडियो को, तुम समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल अच्छी तरीके से रखो अपना प्रिपरेशन, और हाँ और एक चीज़ बुरा मत मानना कि मैं मैथ्स के लिए तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहा। देखो मैंने कोशिश किया भी था, एक दो चैप्टर्स का मैंने नोट्स बना भी लिया था, फिर मैंने सोचा कि इतने हड़बड़ी में मैं बताऊँगा ना तो मुझे खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सही में लगभग मैंने दो चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैटिस्टिक्स। फिर यार अपने आप से मतलब कह रहा था मैं, क्या ये वीडियो से लोगों को वैल्यू प्रोवाइड होगा? सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए मुझे नहीं लगता कि इतने हड़बड़ी में चीज़ों को बताना सही रहेगा। तो हाँ मुझे क्वालिटी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, और अगर मैं ही उसे तोड़ने लगूँगा तो आई डोंट थिंक कि ये चीज़ सही रहेगा। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं और मैथ्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, सीधा बढ़ते साइंस के, और इन दिनों में मैं साइंस कंप्लीट कर दूंगा और उसके बाद SST के ऊपर वीडियोज़ बनेगा, मैप बेस और साथ साथ जितने भी चैप्टर्स हैं SST के उनके ऊपर एक माइंड मैप वाला वीडियो आएगा। तो हाँ साइंस और SST मेरे ऊपर छोड़ दो और मैथ्स का देख लो यार। मैं हर बड़ी में कुछ नहीं करना चाहता, ठीक है यार यही कहना था तुम लोगों से। थैंक यू, लव यू ऑल, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, 100K कर दो यार जल्दी जल्दी।